आरपीटीवी न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। शराब पीकर वाहन चलाने के मामले में माननीय न्यायालय जीएमएफसी सेंधवा द्वारा 3 आरोपियों पर 35,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। एक वाहन चालक के पिता पर भी अर्थदंड आरोपित किया गया है। थाना प्रभारी ने इसकी जानकारी दी है। सेंधवा शहर पुलिस विभाग द्वारा बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। उसी के तहत जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला द्वारा जिले के सभी थाना प्रभारियों को लापरवाह वाहन चालकों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने हेतु सभी को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी की बात कही गई थी। उसी के परिपालन में सेंधवा शहर थाना प्रभारी राजेश यादव द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरडी प्रजापति एवं एसटीओपी नहर सिंह रावत के मार्गदर्शन में वाहन चेकिंग प्रक्रिया के तहत की कार्रवाई की गई है। थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो वाहन का चालक शराब पीकर वाहन चलाता हुआ पाया गया एवं इसी प्रकार चेकिंग के दौरान स्कूटी चालक रोहन शराब पीकर बगैर लाइसेंस की स्कूटी चलाते पाया गया है, जिसके बाद बगैर लाइसेंस चालक को वाहन चलाने के लिए देने के लिए चालक रोहन के पिता शिवेंद्र को भी आरोपी बनाया गया है। उपरोक्त तीनों आरोपियों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने सहित मोटर व्हीकल एक्ट की अन्य धाराओं के तहत माननीय श्री संजोग सिंह वाघेला सेंधवा के न्यायालय पेश किया गया है, जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा विचारण के बाद तीनों आरोपियों पर कुल 35,000 जुर्माना लगाया गया है, जिसमें बोलेरो वाहन चालक पर 10,500, स्कूटी चालक शिवेंद्र पर 17,500 एवं शिवेंद्र के पिता रमेश पर 7,000 जुर्माना लगाया गया। सेंधवा सिटी राजेश यादव ने बताया है कि सेंधवा सिटी पुलिस की शराब पीकर वाहन चलाने वाले एक बगैर लाइसेंस नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों पुलिस मुख्यालय के निर्देशन पर सड़क सुरक्षा सप्ताह निरंतर चलाया गया था, जिसमें सभी वाहन चालकों को विभिन्न माध्यमों से सड़क दुर्घटनाओं को कम करने तथा यातायात नियमों के पालन करने हेतु जागरूक किया गया था एवं वाहन चलाते वक्त क्या सावधानी रखना चाहिए, इन सभी की जानकारी दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लापरवाह वाहन चालक यातायात नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण उन्हें अथवा किसी अन्य को समस्या हो सकती है। शासन प्रशासन द्वारा अपने स्तर पर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, सभी वाहन चालकों को सतर्कता और सावधानी बरतनी चाहिए। सर, शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की है, क्या मामला है? ये एसपी श्री दीपक कुमार शुक्ला सर के स्पष्ट निर्देश है कि जो भी शराब पी के वाहन चलाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो एसपी सर के निर्देशन के पालन में हमारे द्वारा वाहन चेकिंग की गई थी और वाहन चेकिंग के दौरान एक बोलेरो चालक उदय वर्मा और एक स्कूटी चालक रोहन रामेश, ये दोनों ही शराब पी के वाहन चलाते हुए पाए गए। इनके खिलाफ धारा 185 एमवी एक्ट और अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके माननीय न्यायालय पेश किया गया था। जो माननीय न्यायालय के द्वारा उदय वर्मा जो बोलेरो वाहन चालक था, इस पर 10,500 रुपये का जुर्माना लगाया है और जो रोहन रामेश पर भी 17,000 रुपये का जुर्माना और रोहन के जो पिताजी हैं उन पर जो है शिवेंद्र रामेश, इन पर 7,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इस प्रकार कुल माननीय न्यायालय के द्वारा 35,000 रुपये का जुर्माना इन पर लगाया गया है। सेंधवा शहर पुलिस के द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। Sorry, it's DJ.